यहाँ पे इतना ज्यादा कोहरा लगा ना, मेरी ब्लैकी की पावर भी। ओ भाई ये देख रहे हो भाई, आइस कितनी खतरनाक जमी हुई है। मुझे लगता है कि मुझे बाइक यहीं पे छोड़नी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, दिस इज आकी ब्लॉग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग एकदम से बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और घर पे जश्न मना रहे होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह की जगह से, और मेरे पीछे देख सकते हो ऊपर पहाड़ों पे एक नंबर बर्फ पड़ी हुई है। तो हम लोग भी अभी पीछे वाले पहाड़ पे जा रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो है मेरे से पहले ही वहाँ पे पहुंच गए, तो वो लोग वहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं। तो अभी मैं निकलता हूँ फटाफट यहाँ से घर के लिए, तो रेडी हो जाऊंगा और उसके बाद जाके मिलेंगे सीधे पहाड़ पे। तो गाइस आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ये वाला व्लॉग जो है मैं 29 तारीख को शूट कर रहा हूँ, बट ये ना 1 जनवरी को अपलोड होगा, तो इसलिए आप सब लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से फटाफट और जाके मिलेंगे पीछे पहाड़ पे, ठीक है। 2 hours later. So finally guys, अभी आ चुका हूँ मैं अपने मोटो व्लॉग सेटअप पे, और स्टार्टिंग में ही भाई बाइक बहुत ज्यादा स्लिप मार रही है। जिनके पास गाड़ियां थी वो तो आगे चले गए हैं, लेकिन मैं बेचारा रह गया हूँ पीछे। एक्सलेटर थोड़ा बहुत धीरे से देना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। अगर एक्सलेटर मैंने ज्यादा दिया ना तो बाइक बहुत ज्यादा स्लिप मार रही है, ऊपर से ना मेरा पूरा टायर गंजा है। भाई बाइक लेके मुझे आना नहीं चाहिए था यार। देखो गाइस यार, यहाँ पे कितना कोहरा जमा हुआ यार। ओ भाई यहाँ पे कहीं टायर के लिए भी जगह नहीं यार। गाड़ी वाले तो आराम से जा रहे हैं, बट मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये लोग मुझे कह रहे थे कि भैया तू बाइक लेके मत आ, बाइक लेके मत आ, गाड़ी लेके आ, बट मुझे कीड़ा था भाई मोटो व्लॉग करने का। सो गाइस आगे पहाड़ों पे देखो यार, यहाँ पे तो बर्फ है ही नहीं यार। उन पहाड़ों पे देखो कितनी खतरनाक बर्फ पड़ी है। अभी ना इन लोगों ने मुझे बोला कि तू बीच में से चल, हम लोग एक गाड़ी वाला तेरे पीछे चलेगा, एक तेरे आगे चलेगा, अगर कुछ ज्यादा दिक्कत होगी तेरे को तो हम हेल्प वगैरह कर लेंगे। भाई देखो यार इतनी ठंड में बाइक लेके आया हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस वीडियो पे प्यार नहीं दिखाओगे ना बाइक को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा यार। मुझे लगता नहीं कि मैं अपनी बाइक को ऊपर तक ले पाऊंगा, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक ले जाएंगे, और जहाँ पे बाइक रुक जाएगी तो वहाँ से ना इन लोगों के साथ चले जाऊंगा। लेकिन आप लोगों के लिए व्लॉग तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा यार, बस तुम लोग ना वीडियो पे प्यार जरूर दिखाना यार। अभी ना मेरे वाइजर में बहुत ज्यादा फॉग जम चुकी है, अभी मुझे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आगे वाली गाड़ी भी नहीं दिख रही है और पीछे तो भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। इन लोगों ने बोतल में ठंडा पानी उठाया यार, मुझे समझ नहीं यार भाई, पहले से ही हमारा कोहरा बन चुका है और ये लोग ठंडा पानी पी रहे हैं यार। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया यार, मतलब मुझे बोल रहा है कि भाई मैं ठंडा पानी पीता हूँ, चाहे बर्फ हो चाहे कोहरा हो चाहे कुछ भी हो, भाई मेरी आदत है ठंडा पानी पीने की, तो मैं ठंडा पानी पीऊंगा। मैंने कहा चल ठीक है भाई। यहाँ से नीचे ना थोड़ी कम बर्फ थी, बट यहाँ से ऊपर ना बहुत तबाही वाला सीन होने वाला है। पहले तो हमें डर था कि भाई ऊपर गाड़ियां जा पाएंगी नहीं जा पाएंगी, बट यहाँ पे जब पहुंचे तो भाई यहाँ पे तो मशीन ने हमसे पहले ही काम खत्म कर दिया है। बस अब कोहरा हमारा काम खराब नहीं करना चाहिए, कोहरे की वजह से स्लिप हो रही है गाड़ियां। यहाँ पे इनको बोलता हूँ मैं रुकने के लिए, और यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाएंगे। सो ये रील्स मिल जाएंगे आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पे, तो जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा सा प्यार बरसाओ यार। असली टेस्ट तो मेरा यहाँ पे होने वाला, ये देखो भाई। ओह भाई पूरी सफेद चादर है यार। ओए 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 भाई गिरते गिरते बच गया हूँ यार। यहाँ पे इतना ज्यादा कोहरा लगा है ना, मेरी ब्लैकी की पावर भी। ओह भाई गंदा सीन हो गया यार। अब यहाँ से आगे कैसे जाना यार, गियर लीवर टूट गया भाई। और क्या, सो गाइस अभी मेरा गंदा क्रैश हो गया यहाँ पे। मेरे को पहले ही पता था भाई इस कोरे पे मेरा क्रैश हो जाएगा, और सच में यहाँ पे क्रैश हो गया मेरा, गियर लीवर मेरा टूट गया। अब ऐसे तैसे जुगाड़ करके इसको गियर लगा रहा हूँ। ये देख रहे हो भाई आइस कितनी खतरनाक जमी हुई है भाई, अब तो मेरे को डर लग रहा है यार, मेरे को थोड़ी बहुत टांग में भी लगी है। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे, मुझे लगता है कि मुझे बाइक यहीं पे छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी ना मैं गियर वगैरह शिफ्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो अभी फर्स्ट गियर में ही मैं नीचे से इसको लेके आया हूं, बट मुझे लगता है कि इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी सब गाड़ियां जो है आगे चली चुकी है, तो अभी मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। और ये देखो भाई यहाँ पे देखो भाई, कुछ ना कुछ सीन होगा ही होगा, मैं आराम से ही चलूंगा, कोई ज्यादा सीन नहीं है, अभी आराम से ही चलेंगे आराम से ही चलेंगे। तो गाइज अभी मेरे पीछे महबूब स्टूडियो बैठा हुआ है, तो अभी बाइक उतनी ज्यादा स्लिप नहीं कर रही है। बस आगे अगर ऐसा रोड हो ना हम तो भाई एक टायर पे जाएंगे यार। वो देखो भाई गाड़ी वालों के तो जशी है यार, वो देखो भाई जहाँ जहाँ से मर्जी वहां से ले रहे हैं, लेकिन मैं बेचारा भाई मुझे चलना पड़ता है बीच में, अगर मैं इधर उधर चलू तो भाई सीधा नीचे लुढ़क जाऊंगा। तो गाइज अभी दूसरी बार क्रैश हो चुका है भाई, इस बार कुछ और ना टूटा हो भाई। नहीं नहीं ये पानी है यार, ये पानी है पानी।
है, कूलेंट गिर रहा है, कूलेंट है ना। बस अभी यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे अब। सो गाइस ये चेक कर सकते हो भाई, यहाँ पे मेरा इंजन ऑयल लीक हो रहा है कहीं से। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, तो अपने जो कुछ बंदे थे वो पीछे रह गए हैं, तो अभी वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि तू वापस आ जा, यहाँ पे कुछ इंस्टाग्राम के लिए रील्स वगैरह क्रिएट करनी है। तो मैंने कहा वैसे भी यार बाइक को मैं बहुत ज़्यादा रगड़ रहा हूँ, तो अब यहाँ से वापस ही जाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे चल रही है अपनी शूटिंग, और मैं अपनी बाइक कहाँ पे लगाऊँ कहाँ पे लगाऊँ, और यहाँ से घुसाता हूँ अंदर। ओह शुक्र है भाई यहाँ से मेरी बाइक घुस गई। हाँ यहाँ पे रखते हैं अपनी बाइक को, और यहाँ पे बनाते हैं इंस्टाग्राम के लिए रील्स वगैरह, और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे, अभी सब लोग जो है ना ऊपर आ चुके हैं, और अभी यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए कुछ रील्स वगैरह क्रिएट करेंगे। बाकी ये चेक मारो भाई, ऊपर देख रहे हो कितनी बर्फ है यार। अभी हम लोग ऊपर जा नहीं पाए क्योंकि यहाँ से ऊपर रोड की कंडीशन बहुत खराब है, तो बाकी यहाँ पे कुछ इंस्टा के लिए शूट करेंगे, उसके बाद हम मिलेंगे अपने मोटोब्लॉग सेटअप पे। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। अभी ना मेरे साथ बहुत बड़ा गंदा सीन हो गया, और जो बाकी लोग हैं ना वो सारे आगे चले गए। तो सीन क्या हुआ भाई कि मैंने अपनी GoPro की 3 बैटरियाँ साथ में लाई थी, और हम लोग ना ऊपर बर्फ में खेल रहे थे, तो आई थिंक वहाँ पे ना मेरी एक बैटरी कहीं पे गुम हो गई। तो मैं भी वापस गया था बैटरी ढूंढने के लिए, क्योंकि भाई बैटरी आती है 3000 की, तो भाई मैं 3000 का खर्चा ऐसे नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि वापस चलते हैं एक बार चेकआउट करके आते हैं। तो अभी बाकी लोड़े जो है आगे निकल चुके हैं, और अभी मैं बैटरी ढूंढने गया था, बट भाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बैटरी वहाँ पे मिली नहीं मेरे को। तो अभी बाकी लोंडे आगे जा चुके हैं, तो अभी मैंने उनको फोन किया कि भाई कहीं पे मेरा वेट करो यार, मैं अकेला हूँ। अभी वो लोग कहीं आगे मेरा वेट कर रहे हैं। सो गाइस अभी मिल चुके हैं अपने लोंडे लोग। ओ भाई ये देखो भाई लोंडा क्या कर रहा है, इनको तो भाई मजे यार, गाड़ी में बैठ के आराम से जो मन में आए वो करेंगे, बट मैं बेचारा तो भाई आराम से चल रहा हूँ यार। अगर इधर उधर बाइक को हिलाऊंगा ना सीधा जाके नाले में गिरूंगा। ओ भाई इनके तो मजे हैं भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं यार। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे भाई। जब हम वहां से आए थे ना भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। बल्कि कम ऑन अब गिरना मत यार, कम ऑन निकल चुके हैं यहाँ से। ओ भाई क्या क्या कर रहा है ये लोंडा, ये देखो भाई, वो देखो भाई, ये लोग यार गाड़ियों में बंदे बैठे हुए हैं, वो देखो, वाव क्या भाई, एक नंबर यार। हम लोग तो भाई डेली बर्फ देखते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं। अगर गाइस तुम लोगों ने इस वीडियो पे प्यार नहीं ना दिखाया, तो तुम्हारा भाई ना तुमसे रूठ जाएगा यार। वो देखो भाई क्या कर रहे हैं, अभी मैं ज्यादा स्पीड में भगा नहीं सकता, नहीं तो मैं भाई सीधा लुढ़क जाऊंगा यहाँ से। अभी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से भगाने की, बट मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कहीं मेरी बाइक स्लिप हो गई तो मैं सीधा नीचे गिर जाऊंगा, और ऐसी ठंड में अगर गिरते हो तो भाई बहुत ज्यादा पेन होती है। फिलहाल गाइस एक लोंडा हमारा रह चुका है पीछे, वो पता नहीं कहाँ चले गए यार, कुछ इंस्टाग्राम के लिए रील्स वगैरह बना रहे होंगे। मेरे को तो इतना पता है कि उन लोगों को ना इंस्टा का बहुत बड़ा कीड़ा है।